नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला में बता दें कि बुनियाद केंद्र बहादुरपुर में आज कार्यक्रम चल रहा है विश्व दिव्यांगता दिवस। यहां सामने देख सकते हैं एसडीएम जो है स्पर्श गुप्ता सदर के, वो मौजूद हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं ये सभी पदाधिकारी और कर्मचारी। बता दें कि यहां पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बुनियादी केंद्र बहादुरपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्रीमती नेहा नुपुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर डीपीएम, यहाँ पर प्रभारी प्रधान प्राचार्य नेत्रहीन विद्यालय एवं प्राचार्य राजकीय मुक्त बधिर विद्यालय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने अपने संबोधन में दिव्यांगजनों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की बधाई देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया है। उनका इंटरव्यू सुनाएंगे आगे। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर बुनियादी केंद्र सदर दरभंगा में बुनियादी केंद्र को भारत में ही नहीं विश्व भर में एक अलग तरह का सेटअप बतलाया है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी तरह से जमीन पर उतारा जा सके तो दिव्यांगता के क्षेत्र में अलग तरह का सेवा केंद्र होगा। दिव्यांग लोगों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं समझना चाहिए। समाज के दिव्यांग व्यक्ति के प्रति जागरूकता में कमी की भी चर्चा की और दिव्यांग लोगों को हर संभव प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा में दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप किसी से कम नहीं है तथा सरकारी योजनाओं और संसाधनों का प्रयोग कर सजगता से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेहा नुपुर यहाँ पर स्वागत कर रही हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने इस वर्ष के थीम समानता और सहभागिता पर जोर डालते हुए दिव्यांगों को चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पीडब्ल्यूडी ऐप का प्रयोग करने के लिए एवं मताधिकार का बढ़ चढ़कर प्रयोग कराने का आह्वान किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नेत्रहीन बच्चों के बीच सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा क्रिय किए गए ब्रेल किट व नेत्रहीनों के लिए विशेष छड़ी स्मार्ट सिटी का वितरण किया है। देख सकते हैं इन बच्चों को, देखिए ये बच्चे सभी आए हैं, मुखबधिर बच्चे हैं जो यहाँ पर पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। काफी ये प्रोत्साहन करने वाला ये प्रोग्राम था। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंटरव्यू सुनाएंगे। इसके अलावा नेत्रहीन विद्यालय मुखबधिर विद्यालय के प्रचार व अंशिका फाउंडेशन के निदेशक जितेंद्र कुमार को दिव्यांगों के बीच कार्य करने के लिए विशेष रूप से पाग व चादर देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दो लाभार्थियों को डिजिटल हेयरिंग मशीन तथा 25 लाभार्थियों को कुछ कुष्ठ रोगियों के लिए किट का वितरण किया गया। दिव्यांगता दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच चित्रकला, निबंध, स्पर्श एवं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बाल गृह एवं दिव्यांग बच्चों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को मेडल व स्कूल बैग देकर प्रोत्साहित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में पदस्थापित आयुष डॉक्टर स्वयं श्री को भी पाग व चादर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगों के लिए विशेष टीकाकरण कोविड का भी शिविर लगाया गया था। कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा के कर्मी, बुनियादी केंद्र के कर्मी तथा नेत्रहीन व मुखबधिर स्कूल के बच्चों व कर्मियों के साथ साथ बाल गृह के कर्मियों ने भी भाग लिया। आइए शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, इंटरव्यू सुनाते हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं इसी तरह से खबरें देखने के लिए। आज दिव्यांग दिवस है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आज का जो कार्यक्रम था वो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं जिला के सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के लिए, और साथ ही साथ यहां के बुनियाद केंद्र और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सभी को भी शुभकामनाएं देता जाता हूँ कि इन लोगों ने अच्छा कार्यक्रम आज के दिन ऑर्गेनाइज किया और इस दिन की महत्ता को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं यही एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग इस दिवस के थ्रू कि दिव्यांगजन में समानता और संभाव्यता बनी रहे और कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो एक पहल है वो हम लोग करें और समाज में एक बराबरी का दर्जा हो, और यही एक संदेश रहता है इस दिवस का। और यहाँ पर इसी के तहत हम लोगों ने कुछ तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जो कि काफ़ी अच्छा लगा। इसमें बच्चों की जो सहभागिता थी और बाकी यहाँ के जो कर्मीगण थे उन लोगों का सहयोग रहा, और यही सब है और आगे भी हम थैंक यू बोलो। इधर देखिए एक बार, हाँ बताओ क्या कार्यक्रम।
आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर यहाँ बुनियादी केंद्र दरभंगा में हम लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यहाँ स्मार्ट कैन ब्रेल किट ये वितरित किए गए और स्मार्ट कैन की मदद से हम चल सकते हैं। उसमें एक सेंसर लगा होता है जो कि सेंस करके बता देता है कि आपके सामने कोई अगर दीवार या फिर कोई आदमी हो तो उसके हिसाब से हम रोड पे आसानी से चल पाते हैं। और आज की प्रोग्राम में बताया गया कि हमारे लिए जितनी भी सहायता की व्यवस्था होगी वो यहाँ आसानी से उपलब्ध होगी, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। क्या कार्यक्रम मूल रूप से हुआ? यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए थे, एक तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन और दूसरा पेंटिंग कॉम्पिटिशन था। और गीत भी गाया गया संगीत का? हाँ, आप भी गाए थे? हाँ। आप कौन सा गीत गाए थे? मैंने देशभक्ति गाना गाया था। कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा और मैंने फर्स्ट प्राइज विन किया तो और अच्छा लग रहा मुझे। कोई परेशानी आपको? नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है मुझे। नाम बताओ। उज्ज्वल। कहाँ पे आए थे आप? बुनियाद केंद्र। कहाँ? दरभंगा, बहादुरपुर। हाँ। ये सब ऑडियोलॉजी सेक्शन सर है और ऑफ्थैल्मोलॉजी। हाँ सर, यहाँ पे तो वो पोजीशन वैकेंट है सर, अगर ट्रांसफरोलॉजी का रखते हैं। अच्छा, आई का सर वहाँ भी नहीं है, इसलिए आई का पोजीशन मेरा खाली है। पीएससी में प्रभारी सर से अनुरोध किए हैं कि कम से कम वीक में दो दिन को कम दिए हैं, लेकिन अभी तक अपॉइंट नहीं है। और पहले भी बातें हो चुकी है कि ये प्रोग्राम हम लोग मनाते हैं ताकि दिव्यांग भाई बंधु जो हमारे हैं समाज में, उनको समानता का अधिकार मिले और सहभागिता गवर्नमेंट के सारे स्कीम में हो या समाज में उनकी भागीदारिता बढ़े। और हमारा ये भी उद्देश्य होता है कि हम आपके प्रति सम्मान और संवेदना भी व्यक्त करें कि आप अकेले किसी भी मोड़ पर नहीं हैं, पूरा समाज आपके साथ है और सरकार भी आपके साथ है। सरकार की तरह तरह की योजनाएं हैं जिससे आप फायदा उठाकर अपने जीवन में आसान जीवन को बना सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे सरकार के तरफ से तरह तरह के सहायक उपकरण दिए जाते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने जिंदगी को थोड़ी आसान बना सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है ये प्रोग्राम का कि आपका आत्मविश्वास कभी नीचे ना हो, उसको हम लोग हमेशा बूस्ट अप करते रहे कि आप किसी से भी समाज में कम नहीं है और आपके साथ पूरा समाज भी खड़ा है और सरकार भी खड़ी है। आपको जब भी मदद की जरूरत हो, जिस तरह की मदद की जरूरत हो हम लोग करें ताकि आपके मन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, आप सामान्य आदमी की तरह उन सपनों को पूरा कर सके। और यहाँ पे हम लोग इसीलिए तरह तरह का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग का है कंपटीशन, संगीत प्रतियोगिता है, एक्सपर्स प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है। यहाँ पे हमारे सर बालगृह से भी बच्चे आए हुए हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो लोग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।